जिसका नाम हमने रखा है हमी गांधी हमी अहिंसा, ये 27 पोस्टकार्ड्स निकाले हैं जो अलग अलग डिज़ाइनर्स ने डिज़ाइन किए हैं, और इसमें बहुत प्रोमिनेंट लोग हैं जिन्होंने इसका टेक्स्ट लिखा है। जैसे दो तो गांधी जी के ही पोता पोती हैं, इला गांधी और गोपाल कृष्ण गांधी, रोमिला थापर हैं, मल्लिका साराभाई हैं, रत्ना पाठक शाह हैं, इस तरह अलग अलग लोगों ने इसके लिए टेक्स्ट लिखा है। और इसका मकसद ये है कि गांधी की सोच को हम नौजवानों तक ले जा सकें, ये नौजवानों के लिए कार्ड बनाए गए। तो हम लोग अगले 4 दिन में तकरीबन 20 कॉलेजेस में जाने वाले हैं, जहाँ पे नौजवानों के साथ बातचीत होगी गांधी के ऊपर, अहिंसा के ऊपर, प्यार मोहब्बत के ऊपर, और जो पूरा एक माहौल बना हुआ हिंसा का उसको हम किस तरह से तब्दील कर सकते हैं ऐसे माहौल में जहाँ एक प्यार मोहब्बत का दोबारा से एक एटमॉस्फेयर बन सके। और माध्यम उसका ये पोस्ट कार्ड है, ये पोस्ट कार्ड हम नौजवानों के लिए बनाए हैं उनको देंगे, और कुछ ऐसे पोस्ट कार्ड हैं जो पीछे से खाली हैं उनके ऊपर अलग अलग स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने वक्तव्य लिख सकते हैं, पेंट कर सकते हैं और हमको वापस दे सकते हैं, जिसकी हम बाद में प्रदर्शनी करेंगे। अब क्या मैसेज देना चाहिए कि मुंबई कर्स को इस प्रोग्राम के जरिए? मुंबई कर्स को और पूरे देश को एक ही मैसेज है कि जिस तरह का नफरत का माहौल इस देश में बन गया है और बढ़ता जा रहा है, वो हमारा देश नहीं है। हमारे देश में हमेशा प्यार मोहब्बत रही है, हम लोग मिलजुल के रहे हैं, सब कम्युनिटीज़ के लोग, सब धर्मों के लोग, हमारे यहाँ हज़ारों भाषाएं बोली जाती हैं, उसके बावजूद हमारे खाने अलग है, रहना अलग है, फिर भी हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, इकट्ठे त्यौहार मनाते हैं। तो इस प्यार मोहब्बत का जो माहौल पहले था उसको वापस लाने के लिए सब लोग अगर मिल जाएंगे और हमारे जो संविधान पे हमला है उस संविधान की अगर रक्षा करेंगे तो हम दोबारा से इस मुल्क में सांस ले सकते हैं। इस मंच के जरिए युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को एक तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे युवाओं से कि 30 जनवरी को 4 बजे से और 10 बजे तक सोफिया बाबा ऑडिटोरियम के अंदर एक कन्वेंशन है जिसमें नयनतारा सहगल, जस्टिस चेलमेश्वर, अमोल पालेकर, जावेद अख्तर, प्रज्ञा पवार और ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो अपनी बात रखेंगे इन्हीं सारे इश्यूज़ को लेके। तो एक तो आप आइए और शामिल होइए उस कन्वेंशन में। हम लोग उनके जो लोग बोल रहे हैं उनके अलावा भी बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो ऑडियंस में आपके साथ रहेंगे। और दूसरी बात ये कि मुल्क को अगर बचाना है, अगर हमें संविधान को बचा के रखना है, तो उसमें सबसे अहम रोल नौजवानों का है, और उसके लिए नौजवानों को हिस्सा भी देना पड़ेगा, इसमें काम में भी लगना पड़ेगा, और ये जो प्यार मोहब्बत की सोच है ये और लोगों तक पहुंचानी भी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले अपने दिलों से, अपने घरों से, अपने दिमागों और दिलों से नफरत को बिल्कुल दूर करना होगा और ये समझना होगा। पर्सपेक्टिव से देखता था, सेक्रेटरी पर्सपेक्टिव से देखता था, लेकिन गांधी को समझने के बाद कि उन्होंने किस तरह से अपने देश को समझा, किस तरह से एक आम आदमी के स्तर पे आके देखा, किस तरह से उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म और पॉलिटिक्स को कॉन्ट्रडिक्शन नहीं माना, किस तरह से उन्होंने अपने पर्सनल और पॉलिटिकल में कोई डिफरेंसेस नहीं देखा, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमें गांधी से सीखने को मिलती है कि इस देश का इतिहास, इस देश की सभ्यता, इस देश का स्पिरिचुअल वैल्यूज, इस देश की पॉलिसीज, एथिक्स, राजनीति और हमारी पर्सनल जिंदगी, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं जुड़ाव हो सकता है, और ये गांधी ने करके दिखाया। आज ये सारी एस्पेक्ट्स को तोड़ दिया गया, हर चीज एक दूसरे से अलग हो गया, पर्सनल पॉलिटिक्स से अलग हो गया है, दोस्ती टूट गई है, स्पिरिचुअलिज्म इतिहास से अलग हो गया है, पॉलिटिक्स हिस्ट्री से अलग हो रहा है, सिविलाइजेशन कंटेम्पररी से अलग हो रहा है, ये सारी चीजों को एकदम जिस तरह से तोड़ मरोड़ के अलग अलग दूर फेंका जा रहा है, ये हमें जरूरत है कि हम वापस गांधी की जिंदगी, गांधी की सोच, गांधी के प्रोसेस को समझें। गांधी खुद कहते थे कि मैं बहुत ही सीधा साधा आम इंसान हूँ, मेरी सोच और समझ, जब मैं पैदा हुआ था एक कायस्थ वैष्णव घर में, तो मेरी कुछ समझ नहीं थी, लेकिन चूंकि मेरी जिंदगी को मैंने एक ट्रायल की तरह जिया, हर दिन एक ट्रायल एंड एरर की तरह जिया, जो सीखा उसको अप्लाई किया, उससे और आगे बढ़ा, और ये तो मेरी पूरी जिंदगी मेरी सीख है। कहता था कि मैं खुद मैसेज देने वाला कुछ नहीं मेरे पास, क्योंकि मेरी जिंदगी एक मैसेज है। जो है जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो बॉम्बे में है, जो पहले भी अक्टूबर 2018 में बातें अमन की कैंपेन में जुड़ गए थे, उनमें से ही कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस वापस इस कैंपेन के लिए अनद और इंडिया इंक्लूसिव के साथ जुड़ गए थे।
तो हम ये कैंपेन जो कर रहे हैं वो गांधी जी के 71st एनिवर्सरी के मार्टिरडम को कमेमोरेट करने के लिए हम कर रहे हैं, और इसमें तीन भाग है। एक भाग जो है जो हमने एक नेशनल कॉल दिए हैं कि 1 मिनट साइलेंस हम ऑब्जर्व करें 11 बजे सुबह और शाम को, जब उस वक्त जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। दूसरी भाग ये है इस प्रोग्राम का कि कॉलेजेस और कम्युनिटीज़ में हम लोग पब्लिक लेक्चर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शंस हम लोग ले रहे हैं, और ये जो गांधी पोस्टकार्ड्स जो हमने बनाए हैं हाँ स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे देश के बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटीज़ जैसे इंदिरा गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी, फिर रोमिला थापर, सुजाता राव जो केंद्रीय स्वास्थ्य सेक्रेटरी रह चुकी है, उन्होंने इसके ऊपर लिखा है कि गांधी जी उनके लिए क्या मायने रखते हैं और गांधी जी का क्या रेलेवेंस है इस युग में हमारे देश जो जिस माहौल से गुजर रहे हैं। गांधी जी के टीचिंग्स और वैल्यूज़ और थॉट्स हमारे लिए अभी क्या मायने क्या मायने रखते हैं। तो हम लोग 20 प्रोग्राम्स करेंगे कॉलेजेस में, जैसे सफायर कॉलेज, केसी कॉलेज, विल्सन कॉलेज, और वे अलग अलग कम्युनिटीज़ में भी हम लोग ये कार्यक्रम रख रहे हैं। और लास्ट 30th शाम को 4 बजे से 10 बजे तक हम लोग प्रोग्राम्स ले एक बड़ा सा कन्वेंशन कर रहे हैं सोफाया बाबा ऑडिटोरियम में, जिसमें जस्टिस चेलामेश्वर, फिर नयनतारा सहगल, जावेद अख्तर, अमोल पालेकर, प्रज्ञा दयाल पवार जो एक बहुत बड़ी पोएट दलित फेमिनिस्ट राइटर है महाराष्ट्र के, तो हम और काफ़ी अच्छा सा कल्चरल प्रोग्राम भी आयोजित किए हैं जिसमें डॉली ठाकुर और पूर्व नरेश, वासु क्रिमलानी वगैरह सब उसमें शामिल होंगे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि बॉम्बे में के सभी मुंबईकर इस कन्वेंशन में शामिल हो जाएं। वो 30 जनवरी 4 से 10 बजे तक है सफाया बाबा ऑडिटोरियम में। और कॉलेज प्रोग्राम्स में हम चाहते हैं कि जो भी कॉलेजेस में हम जा रहे हैं कि उनमें से जो भी स्टूडेंट्स है, युवक है, इस कैंपेन में बहुत ही ज़ोरदार से शामिल हो जाए।